नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में हमने बात की ध्यान के बारे में। स्वामी विवेकानंद का ध्यान क्या कहता है और ध्यान का प्रारंभिक स्तर क्या है। हमने देखा कि संयम और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता ध्यान के प्रारंभिक स्तर के महत्वपूर्ण अंग है और युवाओं को उस एपिसोड से काफ़ी फायदा भी हुआ। और हमारे पास एक बार फिर जो तमाम सुझाव आए हैं उनमें ये कहा गया है कि ध्यान को प्रैक्टिकली यानी अपने जीवन में ध्यान को कैसे उतारा जाए और रोज़मर्रा में युवा कैसे ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के करियर को भी संवारने में और भारत जागरण या अवेकनिंग इंडिया के सपने को पूरा करने में। आज भी ध्यान के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश दत्त शर्मा जी, जिन्हें जिनका संन्यास का नाम ईशान महेश भी है। सबसे पहले मैं आपका महेश जी बहुत स्वागत करता हूं। ईशान महेश जी सभी लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं और जैसा हमने कहा कि आज हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकली ध्यान को, मेडिटेशन को आप कैसे आजमा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, इस पर हम ईशान महेश जी से बातचीत करेंगे। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन अवेकनिंग इंडिया में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि ध्यान के मायने क्या हैं और स्वामी विवेकानंद के जीवन में ध्यान के क्या मायने थे, वो ध्यान के बारे में क्या कहते हैं। ध्यान क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका या मन को एकाग्र करने का रास्ता? क्या ध्यान के द्वारा ही इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पाया जा सकता है या ध्यान के द्वारा इस जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है? आखिर ध्यान है क्या? December 25, 1892 स्वामी विवेकानंद ने श्रीपाद शिला पर अपना ध्यान प्रारंभ किया। मान्यता है कि उसी शिला पर देवी कन्याकुमारी ने स्वयं तपस्या की थी। इसी ध्यान के बाद कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को अपना लक्ष्य और स्पष्ट हो गया था। स्वामी जी ने न केवल भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की जांची परखी दीर्घ परंपरा के अनुसार ध्यान के अनेक पक्षों को हमारे समक्ष रखा है, अपितु मनुष्य जीवन के ध्येय के लिए उसकी आध्यात्मिक उपयोगिता भी बताई है। साथ ही उन्होंने ध्यान मग्नता द्वारा सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करके दैनिक व्यावहारिक जीवन में भी दिव्यता की अभिव्यक्ति पर अत्यधिक बल दिया है। ध्यान के मायने स्वामी जी के लिए सिर्फ आध्यात्मिकता और कर्म कांडों तक सीमित नहीं थे, बल्कि किसी विषय पर एकाग्रचित चिंतन और पूरी शक्ति को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा देना स्वामी विवेकानंद का ध्यान था। विवेकानंद मानते हैं कि युवा शक्ति भटके नहीं और किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में अपना ध्यान लगा दे तो चमत्कार कर सकते हैं। स्वामी जी का विचार है कि मन का विकास करो और उसका संयम करो, उसके बाद जहां इच्छा हो वहां इसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। ये है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका उपयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में ध्यान के महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मन और मुंह को एक करके भाव को जीवन में कार्यान्वित करना होगा। इसको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी ना होने पाए। सब विषयों में व्यवहारिक बनना होगा। लोगों या समाज की बातों पर ध्यान ना देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे, दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। उनकी भली बुरी बातों को सुनने से जीवन भर कोई किसी प्रकार का महत्व कार्य नहीं कर सकता। ये थे स्वामी विवेकानंद के जीवन में ध्यान के मायने या ध्यान के बारे में उनके विचार। ईशान महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, क्या ध्यान के मायने आप जितने लोग अभी जितने दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं
वो ये माने कि ये अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, या फिर वो किसी भी करियर के हों, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हों, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, क्या ध्यान के मायने सबके लिए महत्वपूर्ण है या सिर्फ आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है? उन सबके लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास मन है, और मन हम सभी के पास है। सारा खेल मन का है, मन ही गति कराता है ध्यान में। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस पथ का है, पथ कोई भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सारा अंतर है हमारी पवित्रता का। अभी जैसे इसमें बताया गया कि मन का विकास करना है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे, मैं आया, इस स्थान को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया गया है। आपके घर भी कोई मेहमान आता है, अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करते हैं, रखते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर ऐसी रखी हो जो जिसकी शोभा नहीं है उसको हटा देते हैं तुरंत वहाँ से, बिल्कुल। अब यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होती है ध्यान की। ध्यान का अंतिम चरण होता है कि जब व्यक्ति बिल्कुल आँख बंद करके ऐसे बैठ जाता है। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इनकी प्रतिमाएँ देखें, कितनी गहरी ध्यानस्थ हैं, लेकिन वो ध्यान की अंतिम अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था नहीं है। आप पहले दिन ही आँखें बंद करके इस प्रकार से बैठ जाएंगे तो भीतर के जो चलते हुए विचार हैं, जो झंझावात हैं, जो उठती हुई ऊर्जा है, वो आपको बुरी तरह से परेशान कर देगी, क्योंकि संभालेंगे कैसे, अंतिम अवस्था को पहले चरण पर नहीं ला सकते। तो शुरुआत कैसे हो ध्यान की नवयुवक के लिए, मैं शुरुआत इसकी आपको थोड़ा सा हंसा के कर दूं। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार कुछ बदमाशों ने रास्ते में पकड़ लिया और कहा, मुल्ला जो पैसे हैं दे दो। मुल्ला ने कहा, नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा, हम तेरी जान ले लेंगे। तो उसने कहा, जान ले लो, जान का क्या, मुफ्त में मिली है, पर पैसे नहीं दूंगा, वो बुढ़ापे के लिए रखे। अब इस चीज़ को समझना, ये आध्यात्मिक चुटकुला है कि नवयुवक क्या समझता है कि हमें ये जो जान मिली है ये मुफ्त में मिली है, और मुफ्त में मिली चीज़ की जैसे बेकदरी होती है वैसे युवा शक्ति इसकी बेकदरी कर रही है अक्सर। आप सब लोगों को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, वाहन पसंद है ना, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को गाड़ी। अब तुम समझो कि तुम्हारे ये जो शरीर हैं ये शरीर नहीं है, ये गाड़ी है, जिसको जो पसंद हो। कोई अपने को बाइक बनाना चाहता है, बाइक बना ले, कोई कार बनाना चाहता है, कार बना ले। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कार को या तुम्हारे इस वाहन को कोई ज़रा सा भी खरोंच डाल दे, तुम बर्दाश्त करोगे, करोगे नहीं करोगे? इसके अंदर क्या घटिया ऑयल डलवाओगे? पेट्रोल डलता है ना, तो मिट्टी का तेल डलवा लोगे इस गाड़ी में? नहीं डलवा लोगे। लेकिन युवा शक्ति सिगरेट तो खूब पी रही है, वो क्या कर रही है? क्या ये जो धूम्रपान है या जितने भी नशीले पदार्थ हैं, क्या तुम्हारे इस वाहन के लिए उपयोगी हैं? क्या ये इसे सशक्त करेंगे, बलिष्ठ करेंगे? परमात्मा ने तुम्हें एक सुंदर देह दे के भेजी, बड़े सुंदर, इतनी शक्ति है तुम लोगों में। वो शक्ति किस लिए कि यहाँ से जंपिंग बोर्ड बने, यहाँ से तुम्हारी जंप लगे सीधे और वो ध्यान में जाए। तो उसके लिए क्या कि ये जो तुम्हें साधन मिला इसको कितना पवित्र रख सकते हो। तो पवित्रता की पहली यात्रा वाणी से शुरू होती है, बोलने से, कि आप बोलते कैसे हैं, आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली कैसी है। खुद अनुभव करना, अभी मैं ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग कराऊंगा। कितने बच्चे ऐसे होंगे इस समय जो वाक्यों में कितने अपशब्दों का प्रयोग करते होंगे, यानी भ्रष्ट भाषा का, दूषित शब्दों का, जिन्हें सामान्यतः हम गाली कहते हैं। हम एक वाक्य बोलेंगे उसके अंदर 5 शब्द गाली के होते हैं, क्यों? क्या ऐसा होता है कि जो तुम्हारे शौचालय में उपयोग के लिए जो डब्बा रखा हुआ है, क्या उसको मंदिर में इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो। जिससे टॉयलेट को हम साफ करते हैं ब्रश से, क्या उससे मंदिर साफ करते हो? नहीं करते। तो ये जो वाणी है, जिस वाणी से तुम परमात्मा का नाम लेते हो, जिस वाणी से तुम अपने माता पिता का नाम लेते हो, उसी ही वाणी से तुम गंदे शब्दों को कैसे उच्चरित कर सकते हो, ये फर्स्ट अवेयरनेस है ध्यान की। तो आज अभी शुरुआत में ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ध्यान को आप अपने जीवन में कैसे आजमा सकते हैं, ध्यान को कैसे ला सकते हैं। ईशान महेश जी से ये बातचीत हम आगे भी बढ़ाएंगे। मुझे पक्का पता है कि आप लोग कह रहे होंगे मैंने बीच में क्यों रोक दिया। स्वामी शांत आत्मानंद जो दिल्ली रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपने विचार अवेकनिंग इंडिया के लिए भेजे, हम उनके विचार भी लेते हैं और फिर आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान
पहले समझना चाहिए, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है। ध्यान एक अनुभूति है। ध्यान इज अ स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। इट्स नॉट अ रिचुअल, इट्स नॉट वर्क, इट्स नॉट एक्शन। ध्यान एक स्थिति का प्राप्त है, इसके लिए हम ध्यान कहते हैं। ध्यान क्यों? मनुष्य लोग अपना अपना स्वयं असली रूप भूले भटके अभी कई जगह भी हम लोग घूमते रहते हैं। मनुष्य का ये हम सब लोग का असली रूप क्या है, स्वरूप क्या है, यही पहचानना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरह वही दौड़ में निश्चित रूप जुड़े हुए हैं। सो इसकी एक परिणाम, एक प्रयास आप कह सकते हैं ध्यान। ध्यान की माध्यम हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सचमुच क्या हूँ, यही ढूंढना, यही पहचानना, यही जानना चाहते हैं, यही ध्यान है असल। ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषाएं तो समझ में आ रही हैं, लेकिन ध्यान को कैसे आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो आज ईशान महेश जी हमें बता रहे हैं। आपने ये बताया कि किस तरह से प्रारंभिक तौर पर वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अपने शरीर को सब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसकी कद्र नहीं करते, इसकी कीमत नहीं करते कि ईश्वर ने हमें क्या देकर भेजा है। लेकिन ये एहसास भी कैसे हो, ये कहाँ से आएगा ये एहसास? अभी स्वामी जी ने जो आपने क्लिप दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि ध्यान कुछ करने जैसी चीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार से ये एक अनुभूति है, इस अनुभूति से ही सब कुछ पैदा होता है, अनुभूति से। अभी छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो इनको मैं भी समझाऊंगा। पहला प्रयोग ये है कि जैसे सुबह ये उठे बच्चे सारे जी, तो ये अनुभूति कहाँ से आती है? विनम्रता से। सुबह उठने के बाद अगर ये सबसे पहला काम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने का करते हैं, तो पहले ही दिन आप एक बड़ी गहरी चीज़ महसूस करें। आप सब बच्चे किसी को अगर कहते हैं नमस्ते जी, कि दूसरा आदमी कहता है हाँ ठीक है, यही होता है ना। लेकिन जब आप उसके चरण स्पर्श करते हैं तो उसका दूसरा एक्ट क्या होता है कि आपकी पीठ पर या सिर पर हाथ रखा जाता है, यही होता है ना सबसे पहला। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण होता है कि जैसे ही आप झुके, सुबह उठे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, तो उनके भीतर से जो एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, आशीष जिसको हम कहते हैं, आशीर्वाद जिसको कहते हैं, वो आपको भीतर ही भीतर नरिश करता है, पोषित। कितने लोग ये करते हैं? कम है। और कई बार ये होता है कि बच्चे, इनमें बहुत से स्टूडेंट हैं जो कई बाहर के शहरों से आकर दूसरे शहरों में रह रहे हैं, तो इनके लिए भी मैं चाहूंगा कि कुछ सुझाव दें। आप देखिए कितनी अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि बच्चे ईमानदार और सच्चे हैं। दो बच्चों ने हाथ खड़े किए, नहीं तो सारे भी कर सकते थे, कोई भी कर सकता नहीं, इनके मम्मी पापा भी देख रहे होंगे ना अभी। तो ऐसा है कि जो भी हमें अपने से बड़ा मिलता है, संस्कृत में हमारी एक बात कही गई जो स्वामी विवेकानंद भी अपनाते थे कि ये शाम नित्य वृद्धो अपि सेवितः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें चाहिए ना आपको। कैसे बढ़ती है? जो नित्य अपने वृद्धों की सेवा करता है, अपने से बड़ों की सेवा भावना से क्या होता है कि हमारे भीतर का अहंकार घुलता है। वो अहंकार हमारी सबसे बड़ी बाधा है। आपने धार्मिक स्थलों पर देखा होगा बड़े से बड़ा व्यक्ति पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है ना वहाँ पर, लेकिन क्योंकि लगता है सब कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर ऐसे स्थान पर जहाँ पर गंदगी पड़ी हो खूब सारी, आपके ही मित्रों ने फैलाई है, और आप उस समय देखिए एक प्रयोग करें, ये प्रयोग है ध्यान के, खूब सारा कूड़ा पड़ा आपके मित्रों ने फैलाया, तो आप कहो कि देखो भाई कूड़ा पड़ा है चलो मैं ही उठाता हूँ, खुद लग जाओ उठाने, पक्की बात है बाकी सब आपके साथ उठाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अहंकार का गिरना शुरू हुआ। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रवीण जी, बच्चे आहत बहुत होने लगे हैं, सहनशीलता समाप्त हो गई, ईगो हर्ट होना, वो ये एक शब्द है। तो आपको कोई कुछ भी बुरा कह दे, कितना भी बुरा कह दे, आप आनंदित रहिए, कहिए ठीक है मैं तो ये हूँ ही नहीं। ध्यान देखो यहाँ से शुरू होता है। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, ठीक है, आप क्रुद्ध हुए, नाराज हुए, जैसे सड़क पर हुआ, एक ने आपकी कार को टक्कर मारी, आप नाराज हुए, उससे मारपीट करने लगे, तो यानी उस व्यक्ति के हाथ में आपका रिमोट हुआ। एक व्यक्ति आपको गाली दे देता है और आपको नाराज कर देता है और आप गुस्सा हो जाते हैं, तो रिमोट उसके हाथ में हुआ।
उसने आपकी तारीफ की, भाई बहुत अच्छे, और आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। यानी आपको खुश करना, आपको नाराज करना आपके अपने हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है। तो अब इससे सार क्या निकला कि हमारे पास कोई एक ऐसा तत्व है हमारे भीतर जो हमें ऑपरेट कर रहा है, हमें चला रहा है, और हमें मालूम नहीं कौन तत्व है। वो तत्व है मन। मन चला रहा है, मन का स्वामी बनना है। और मन का स्वामी बनने के लिए प्रैक्टिकल्स क्या कि जैसा आज शुरुआत में ही ईशान महेश जी ने कहा कि वो प्रैक्टिकल्स आपको बताने वाले हैं, तो वो प्रैक्टिकल क्या होंगे, इनके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। अवेकनिंग इंडिया जारी है। इस ब्रेक के बाद भी, ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद का एक मजबूत विचार आपके सामने। ये जीवन अल्पकालीन है, संसार का घमंड अनित्य है, किंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही वास्तव में जीवित हैं, बाकी तो जीने से अधिक मृत हैं। करुणावश दूसरों की भलाई करना अच्छा है, किंतु उनमें परमेश्वर को देख भक्ति भाव से उनकी सेवा करना उत्तम है। फिल्मों का वो दौर जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, कलाकारों की बेहतरीन अदायगी, दिलों को छू लेने वाली कहानियां, संगीत का बेमिसाल जादू, निर्देशन की बारीकियां, वो गौरवमय फिल्मों का इतिहास। देखिए फिल्मोत्सव हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। ईशान महेश जी आज बता रहे हैं कि ध्यान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली आप कैसे ला सकते हैं। वाणी को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया, किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ों से विनम्रता से पेश आना, माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करना, सेवा भाव रखना जैसी बातें उन्होंने ब्रेक से पहले बताई थी। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, अपना रिमोट किसी और के हाथ में मत दो, चाहे वो नाराजगी की बात हो या खुश होने की बात हो। किसी के गुस्सा होने पर आपका गुस्सा होना या किसी के तारीफ कर देने पर आपका बहुत ज़्यादा उत्साहित या खुश हो जाना, ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं। यानी अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिए। लेकिन आपने कहा था इस सब के लिए मन को काबू करना। पहले तो ये मन है क्या और इस पर काबू के मायने क्या है? एक तो मस्तिष्क है हमारे पास, मस्तिष्क जो हमें एक, हम सामान्य सा प्रश्न करते हैं बच्चों से कई बार कि अच्छा बताओ मनुष्य में और जानवर में क्या फ़र्क है, तो बच्चे कहते हैं मनुष्य के पास बुद्धि है और जानवर के पास बुद्धि नहीं है, यही सवाल का जवाब देते हैं ना। तो उससे कहो कि एक जानवर को कुएं के आगे खड़ा कर दो, ज़रा धक्का दो, क्या वो अंदर जाने के लिए सहमत हो जाएगा? नहीं होता। जानवर को भी पता है गाड़ी आ रही है तो रुक जाएगा। तो ये मस्तिष्क एक वो यंत्र है जो हमें अपने जीवन के पहलुओं को जीना सिखाता है आत्मरक्षा के संबंध में। ये तो हो गया मस्तिष्क। एक है मन, मन जो हमें गतिशील करता है। उदाहरण के लिए दो मित्र हैं। एक मित्र ने कहा कि चलो वो सामने किसी का सामान पड़ा है वो उठा लेते हैं, ठीक है। दूसरा मित्र कहता है कि नहीं, ये शुभ नहीं है ऐसा करना। आप उसे समझ रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति का मन है वो पहले वाले मन को रूपांतरित कर रहा है, बदल रहा है। आपस में स्वामी विवेकानंद से ही मैं एक सूत्र लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, एक बार स्नान कर रहे थे विदेश में तो कुछ गा रहे थे, तो महिला कहती कि स्वामी आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं गा रहा हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कि क्या अर्थ है स्वामी जी इसका? स्वामी जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि सारा संसार सुखी हो और सारा संसार निरोगी हो। तो उन्होंने कहा आप संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नहाते हुए? तो उन्होंने कहा हाँ। अंतिम वाक्य जो अभी इसमें दिखाया गया था विवेकानंद का कि भक्ति भाव से सेवा करना, आप सबने सुना था ना ये वाक्य। अब भक्ति भाव से सेवा आप सभी की कर सकते हैं, किसी की भी, जो भी मिले आपको उसके मन में आपके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। और सेवा भाव आपके भीतर एक ऐसे विद्युत पैदा करेगा जो आपके मन को गतिशील करेगा। अभी आपका मन जो आपको कहता है, आपको मालूम होता है मन ने कहा मैं सिगरेट को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे घातक है, तंबाकू सिगरेट ये बहुत प्रचलन में है ना, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। आपके मन ने कहा चलो सिगरेट पीते हैं, लेकिन आप अपने मन के स्वामी बनिए और उसे कहिए क्यों पीते हैं भाई, क्या है ये, कोई दूध है कि शक्ति मिलेगी तुझे? जिस दिन आप अपने मन को डांटना शुरू करेंगे
अपने मन की जम के क्लास लेंगे। मीराबाई लेती थी अपने मन की क्लास। मीराबाई हमारी संत हुई हैं, वो अपने मन को कहती कि तू कहाँ जा रहा है, मैं तुझे भगवान की भक्ति में लगाना चाहती हूँ और तू संसार की ओर मुड़ मुड़ के जा रहा है। तो आप एक प्रयोग करें कि अपने मन को डांटना शुरू करें, उसके मालिक बने। वो कुछ कहे आपको मालूम है कि ये गलत है या सही है, पता होता है ना सभी को। एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी शारीरिक श्रम की बात होती है तो हम देखते हैं शरीर को बलिष्ठ बनाने की, स्टेमिना बनाने की, या जिम जाकर अपने शरीर को मजबूत बनाने की बात कही जाए। जब मन से ये सब करवाना है तो उसे भी मजबूत करना होगा और उसकी भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर होंगी। मैं चाहूँगा कि वो भी हम दर्शकों को बताएं कि वो क्या एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने भंवरे का नाम सुना है, भंवरा, भंवरे की गुंजन होती है। तो वो जो भंवरे की गूंज है वो जब आप अंदर करेंगे तो जैसे मिक्सी चलाते हैं ना, मिक्सी चलाने के बाद वो अंदर जो भी कुछ आप सामान डालते हैं सबको घुमा देती है। तो एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे, उस प्रयोग के अंतर्गत क्या करेंगे, जब आप उस गुंजार को पैदा करेंगे, भंवरे का गूंजना उसकी गुंजार कहलाता है ना, जैसे मक्खी उड़ती कहते हैं ना भिन भिना रही है, तो उसके लिए गुंजार शब्द का उपयोग करते हैं। तो उस गूंज को मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। उस समय आप ये सोचिए कि आपने किस किस का बुरा किया, सबको मालूम है, और किस किस का बुरा करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं मन में, ये भी पता है, हर व्यक्ति जानता है, पक्का पता होता है ना कि अच्छा अब मैं तुझे बताऊंगा। अब उस बताने के लिए जो अच्छा होता है वो अच्छा एक योजना बना रहा होता है कि मैं इसको किस तरह से परेशान करूंगा या तंग करूंगा, ये जानते हुए भी कि मैं इसे परेशान करने वाला हूं। तो अब उस गुंजार में आप ये अपने भीतर प्रश्न पैदा करेंगे कि उसको तंग करके मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि हम सब एक ही चैतन्य के रूप हैं, एक नूर ते सब जग उपजया कहा गया है ना, कि हम सब तो एक ही रोशनी से पैदा हुए हैं, तो मैं उसको क्यों सताऊं। तो इस गुंजार के माध्यम से आंख मीच कर उस भाव को पैदा करेंगे और ये सोचेंगे अच्छा कल जिसके लिए बुरा किया है या कुछ समय पहले जिसको बुरा किया है उससे जाके माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, और अपना विकास देखना कैसा होता है। जाकर कहो कि ये मैंने तेरे लिए बुरा किया था और मैं तेरे से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, एक बार कह के देखो, और फिर देखो तुम्हारे भीतर अचानक ही एक ऊर्जा का विस्फोट होगा। निश्चित रूप से ये करने की बातें हैं, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे उनसे जाके कि तेरा ये जो नुकसान हुआ था, ये जो अहित हुआ था मैंने किया था और मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, तुम क्षमा नहीं करना चाहते मुझे सजा दे दो, और देखना सामने वाला तुम्हारे प्रति सम्मान से भर जाएगा। तो वो गुंजार कैसा है वो देखिए। इसको जितने मुझे लगता है सबको करके देखना चाहिए। चलिए एक बार सब करते हैं आपके साथ साथ। तो आप आंख बंद करें और उस समय ये मन में संकल्प करें आंख बंद करते समय कि मैं किसी एक से क्षमा मांगने ज़रूर जाऊंगा, और जितने मेरे मन में अभी तक नेगेटिव अप्रोचेज हैं सबको मैं डिलीट मार दूंगा, सेलेक्ट कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके डिलीट, कोई आगे कुछ नहीं होगा। तो शुरू करें जी, मुंह बंद रहेंगे, होठ होठों से आवाज़ आएगी, नाभि से निकालने की कोशिश कीजिएगा आवाज़ को। जोर से शक्ति लगा के नाभि से खींच कर, नाभि से खींचो, हाँ बहुत अच्छे, और जोर से, और जोर से, दोबारा से भीतर से ऐसे खींचना जैसे कुएं से पानी खींचते हैं ना एकदम तेजी से, यस, अति सुंदर। एक बार और बस बहुत जोर से, अब ये प्रयोग इन्हें रोज करना चाहिए, और उन भावनाओं के साथ जो आपने बताया वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ क्या होगा मैं बताऊं आपको, मैं जैसे कोई चीज इसमें हमें झाड़नी होती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसके जो वाइब्रेशंस हैं तो जितने भी नकारात्मक नेगेटिव अप्रोचेस जो ऊर्जा के साथ बहती हैं वो सब धीरे धीरे ऐसे करके गिरने लगती हैं, ऐसे करके गिर के, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। अभी आपने ये सिर्फ 3 बार किया है, और अगर इसको 15 मिनट कम से कम 25-30 बार आप सुबह उठ के एकांत में करेंगे तो फ़र्क अपने आप पता लगेगा।
सारी नकारात्मकता निकलती जा रही है इस विचार के साथ। और ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जितने भी दर्शक इसे आजमाएंगे उसे इससे फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि जब चलते चलते आप एकाध ऐसा और प्रयोग बताएं, क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एकाध कुछ और ऐसा जो कि दर्शक भी घर पर कर सकते हैं, ये युवा भी अपने घर पर कर सकते हैं। नहीं, मैं अब करने के नाम पर एक प्रयोग ही बताऊंगा जी, जो इनको 24 घंटे करना है जी, 24 घंटे। और वो प्रयोग ये है कि जितना अधिक विनम्रता को जीवन में अपना सकें, एक संकल्प कि कोई कुछ भी कर जाए, ये सच में प्रयोग है 24 घंटे का, आप उस पर नाराज़ नहीं होंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, और ये सजगता कायम रखनी है, अवेयरनेस। ये कितना बड़ा प्रयोग है 24 घंटे का प्रवीण जी, कि हर समय इस बात को लगातार जगाए रखना भीतर कि मैं किसी की बात से नाराज़ नहीं होऊंगा। और उससे क्या होगा, जिस दिन क्रोध की ऊर्जा रुक गई भीतर, वो सारी ऊर्जा रुकी हुई क्रोध की, क्योंकि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा ना क्रोध की होती है। क्रोध में एक पतला सा आदमी भी पहलवान को उठा के फेंक देता है क्रोध में। तो जब आप उस क्रोध की ऊर्जा को रोक लेंगे ना, उसकी सीधी छलांग परमात्मा की ओर लगती है, और कहीं लगती नहीं, कहीं नहीं लगेगी, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उसको लंबी छलांग चाहिए होती है क्रोध को, तो दूसरा टारगेट उसका परमात्मा होता है। अगर क्रोध टूट गया तो, क्रोध की ऊर्जा टूट गई तो अपने भीतर ये संकल्प लेना, ये 24 घंटे का ध्यान है, और तुम कर सकते हो। वाणी की पवित्रता रखना जी, क्यों प्रवीण जी? जी बिल्कुल ठीक। दूसरा, जो भी बड़ा मिले उससे कभी भी अपशब्द नहीं बोलना, विनम्रता से बोलना, माता पिता के चरण छूना, और अभी जो हमारी अंतिम बात हुई, किसी पर क्रोध नहीं करना। बहुत खूब, और मुझे पता है कि एक बहुत वृहद विषय है। मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान को एक एपिसोड में समेट पाना, आधे घंटे की बातचीत में समेट पाना मुश्किल, तो हम आगे भी आपसे इस पर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ईशान महेश जी, आप आज स्टूडियो में आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात युवाओं को बताई ध्यान के संबंध में, बहुत बहुत धन्यवाद। पर बच्चे बहुत प्यारे हैं, और मुझे जाने को भीतर मन से विश्वास हो रहा है कि ये सब करेंगे और रूपांतरित करेंगे। वादा करते हैं आप लोग? हाथ ऊंचा करके बताइए कौन कौन ये वादा कर रहा है ईशान जी से। नहीं, ये ट्रांसफॉर्म होंगे और बहुत अच्छे। आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक। ये आपका सुझाव था कि ध्यान के विषय पर बातचीत करें, और ध्यान के विषय पर बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसीलिए आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। अवेकनिंग इंडिया के जरिए स्वामी विवेकानंद के विचार, तमाम खास मेहमानों के विचार हम आप तक रखते रहेंगे। आज के लिए हम सभी को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये जीवन अल्पकालीन है, संसार का घमंड अनित्य है, किंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही वास्तव में जीवित हैं, बाकी तो जीने से अधिक मृत हैं। करुणावश दूसरों की भलाई करना अच्छा है, किंतु उनमें परमेश्वर को देख भक्ति भाव से उनकी सेवा करना उत्तम है।